हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश MP बोर्ड में जो लगती है उसका लेसन 8। तो इसके पिछले पार्ट में हम लोग इसका हिंदी अर्थ पढ़ चुके थे, तो इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसका हिंदी अर्थ समझते हुए बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपके पास तक मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो इसके इस पार्ट का आपका टाइटल क्या था, देखिए, द मून, चंद्रमा के बारे में था यह पार्ट। तो इसके क्वेश्चन आंसर चलिए करते हैं। तो देखते हैं वर्ल्ड पावर। तो देखिए प्यारे बच्चों, वर्ल्ड पावर में पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पिक एंड ऑड वर्ड आउट, अर्थात जो इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए वाले, इसमें से जो असमान शब्द है, तीन समान वर्ड हैं और एक असमान शब्द है, उसको छांट के उत्तर में लिखना है कौन सा असमान शब्द दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस वाले में। फर्स्ट नंबर मून, मून दिया हो तो मून का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। अर्थ दिया हुआ है तो अर्थ का मतलब क्या होता है, आप जहाँ रहते हैं, पृथ्वी। और रॉकेट, तो रॉकेट एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और फोर्थ नंबर क्या है, सन, सन यानी सूर्य होता है। तो ये जो तीनों हैं, मून है, अर्थ है और सन है, ये तो तीनों क्या है, आकाशीय पिंड हैं, है ना, जो आकाश में है, ब्रह्मांड में है। और ये जो रॉकेट है ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, क्या है, ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, तो ये एक असमान है, ये इन तीनों से ये क्या है, भिन्न है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, रॉकेट लिखेंगे। अब दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे नंबर में चार शब्द कौन कौन से हैं, नैप है, स्लीप है, अवेक है और क्या है, सीएसटा है। तो इसका अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। नैप का अर्थ होता है झपकी, स्लीप का अर्थ सोना होता है, ठीक है, स्लीप का अर्थ क्या होता है, सोना। और अवेक का मतलब क्या होता है, जगना या जगे रहना, सचेत रहना, ठीक। और सीएसटा का अर्थ होता है, हम आपको बता दें हिंदी में इसका अर्थ क्या है, गर्म देशों में दोपहर की अल्प निद्रा को सीएसटा बोलते हैं। तो इनमें से तीन ऑप्शन समान हैं, कौन कौन से समान हैं, नैप पहला और दूसरा स्लीप समान है, और सीएस्टा, तीनों किसके प्रकार हैं, एक तरह से सोने या झपकी के प्रकार हैं। लेकिन ये जो अवेक है आपका, ये वाला अवेक का अर्थ होता है सचेत रहना या जगे रहना, तो इसमें आपका अवेक ये अलग है, असमान शब्द है, तो ये उत्तर आपका सेकेंड का अवेक हो जाएगा। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरे में जो दिए हुए हैं, पहला ग्लो दिया हुआ है, डार्क दिया हुआ है, साइन दिया है, इल्यू मिन दिया हुआ है। तो ग्लो का मतलब भी होता है चमक, ठीक, और साइन का मतलब भी चमक होता है, और इल्यूमिन का मतलब होता है साफ साफ या स्पष्ट, तो उसका अर्थ एक प्रकार से चमक ही हुआ है ना। लेकिन जो ये डार्क है, इसका अर्थ होता है अंधेरा या काला, तो ये असमान है, तीनों से क्या है, असमान है। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा डार्क। चौथा नंबर है इसका प्यारे बच्चों, देखिए इवनिंग, इवनिंग का अर्थ क्या होता है, इवनिंग का मतलब होता है संध्या। और बीक दूसरे नंबर में क्या है, बीक अर्थ होता है सप्ताह, है ना, बीक कितने दिनों का, 7 दिनों का होता है। और आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो ये तीनों क्या हुए, दिन के तीन पहर हो गए, दिन के तीनों पहरों का नाम हो गया ये इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग। लेकिन ये जो बीक है, ये बीक के अंदर सभी दिन आ जाते हैं, तो ये तीनों में से अलग अलग दिख रहा है, तो ये आसमान है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक, वीक आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर अर्थात पचवा है इसका, देखिए क्या है, लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स और ट्री। तो लीव्स का अर्थ हो गया पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियों को लीव्स बोला जाता है, पेड़ के जो फूल होते हैं उनको फ्लावर्स बोला जाता है, फूल जो होते हैं, और ट्री अर्थात ट्री का मतलब होता है वृक्ष या पेड़ होता है। लेकिन जो फील्ड है, ये फील्ड तीनों में से अलग है, फील्ड का मतलब होता है मैदान, लेकिन ये सब क्या है, ट्री है, और ट्री के पार्ट हैं, ये वाला भी, और ये तो खुद ट्री ही है। और लेकिन फील्ड जो है तीनों से आसमान है, अलग है, आपका फिफ्थ का आंसर जो होगा वो फील्ड हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, तो अपने दोस्तों के पास सेंड करना ना भूलिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपको इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम में सभी वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। बी नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नेम्स ऑफ एट लीस्ट 6 एनिमल्स वर्ड फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अर्थात क्या हुआ, घेरे में दिए गए अक्षरों में से 6 जानवर और पक्षियों के नाम लिखिए।
ठीक, तो इनमें से आपको जोड़ के जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनको जोड़ जोड़ के 6 जानवरों या पक्षियों के नाम लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या होगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा है, बी डबल ई एस। इधर से हम लोग चलेंगे इधर को तो क्या दिखाई दे रहा है, बी डबल ई एस। तो बीज यानी होता है मधुमक्खियाँ। तो पहला नंबर आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बीज यानी मधुमक्खियाँ। सेकंड नंबर देखिए आपको लाइन में लिखना है, अर्थात सभी शब्द एक लाइन में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ आपको एक जानवर का नाम दिखाई दे रहा होगा ई एल, सॉरी देखिए थोड़ा ऊपर से है, यहाँ से देखिए ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट यहाँ से लीजिए और नीचे की ओर जाना है। तो ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिफेंट। तो ये हुआ एक, और एक आपको उदाहरण के रूप में दिया हुआ है फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग यानी क्या होता है, मेढक। तो इसी तरह से सभी को लिखना है। आगे बढ़ते हैं अब, तो 3 हुए ना, एक बी हुआ, दूसरा एलिफेंट हुआ और तीसरा फ्रॉग लिख सकते हैं। और चौथा देखिए आपका क्या है, चौथा है आपका रैट, आर ए टी, ये देखिए दिख रहा है आपको आर ए टी, रैट। ऊपर से नीचे की ओर आप लोग आएंगे तो आपको रैट दिख रहा है, रैट। रैट का मतलब क्या होता है हिंदी में, चूहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं ज़्यादा पेन का इस्तेमाल हो जाएगा उसी के ऊपर तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इरेज करने के बाद उतना आप लोग लिख चुके हैं 4। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा आपको दिखाई दे रहा होगा ईगल, ई ए जी एल ई, ई ए जी एल ई। आप इधर से इधर जाएंगे देखिए ई ए जी एल ई दिखाई दे रहा है, ईगल। ईगल का मतलब होता है गिद्ध। ठीक, अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पी ए डबल आर ओ टी, पैरोट। पैरोट यानी मतलब क्या होता है, पैरोट का मतलब होता है तोता। 6 हुए, सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लैम्ब, एल ए एम बी, लैम्ब। लैम्ब का मतलब होता है लैम्ब, लैम्ब बोलते हैं। लैम्ब का मतलब होता है मेमना, अर्थात भेड़ का, भेड़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मेमना बोला जाता है। आठवां नंबर देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है ए एन टी, लाइन से, है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो लाइन से दिखाई दे रहा है ए एन टी, आंट। आंट का मतलब होता है चींटी। नाइन्थ नंबर देखिए एच ई एन, एच ई एन दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए इधर से जब आप जाएंगे तो ये एच दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे एच ई एन, हैन, हैन यानी मुर्गी। दसवां लिखिए अपने नोट्स में सी ए टी, कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। अगला लिखिए बियर, बी ई ए आर, ये देखिए बी ई ए आर, बियर। बियर का मतलब होता है भालू। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन वर्ड पावर का। देखिए आपके इस पार्ट का सी नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यू हैव रीड द फ्रेज हाउलिंग डॉग्स इन द पोयम, नाउ रिटर्न इन द स्टार्ट द साउंड दीज एनिमल्स मेक विथ द हेल्प ऑफ द क्लोज गिवेन इन द हेल्प बॉक्स। तो इस बॉक्स में कुछ जानवरों के बोलने की आवाज़ें दी हुई हैं, तो इनसे छांट छांट के उसके सामने लिखना है कि कौन से जानवर कैसी आवाज़ें निकालते हैं, ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला नंबर आपके सामने दिया हुआ है कैट, सी ए टी, कैट। कैट यानी बिल्ली। बिल्ली कैसी बोलती है, बिल्ली का बोलना होता है म्यू। तो एम ई डब्ल्यू आप लोग यहाँ लिखेंगे, एम ई डब्ल्यू, बिल्लू की। बिल्ली कैसी बोलती है, म्यू। म्यू जो आवाज़ होती है वो बिल्ली की होती है, तो पहले का आप आंसर हो जाएगा म्यू। दूसरा नंबर जानवर आपके सामने दिया हुआ है कुत्ता, डॉग। तो डॉग का बोलना कैसा होता है, डॉग भौंकता है। तो आप लोग लिखेंगे बी ए आर के, बार्क। वार्क यानी भौंकना, बी ए आर के, बार्क। वार्क यानी भौंकना होता है। तीसरा अर्थात अगला नंबर जानवर आपके सामने है लेपर्ड। तो लेपर्ड आपको पहचानना है, लेपर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं। ठीक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेंदुआ। तो ये कैसा बोलता है, ये इसका हो जाएगा एच ओ डब्ल्यू, एच ओ डब्ल्यू, हाउल। हाउल यानी गुर्राना, अर्थात यह गुर्राता है, ये आपका एल है। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जीव है आपके सामने फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खी। तो मक्खी कैसी बोलती है, मक्खी भिन भिनाती है। तो भिन भिनाना, भन भनाना का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, देखिए बी यू डबल जेड,
बज, बज का मतलब होता है भन भनाना, तो मक्खी का भन भनाना बज होता है, तो ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगला जानवर है बच्चों, देखिए एलिफेंट, हाथी। तो हाथी के बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाथी के बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, यानी ट्रम्पेट का अर्थ होता है हाथी की आवाज़। अगला जानवर है प्यारे बच्चों टाइगर, टाइगर का हिंदी में अर्थ होता है बाघ, बाघ कैसे बोलता है, बाघ का गर्जन होती है, बाघ की गर्जन कैसी होती है, ROAR, रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना या गर्जन। अगला जानवर है क्या है, कॉक, कॉक यानी मुर्गा होता है, तो मुर्गा कैसा बोलते हैं, मुर्गे को बोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CROW, क्रो, क्रो यानी क्रो, इंग्लिश में मुर्गे की आवाज़ को क्रो बोलते हैं, CROW अर्थात मुर्गे की आवाज़। अगला जानवर है आपके सामने घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स को हिंदी में घोड़ा बोलते हैं, तो घोड़े की आवाज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NIGH, आप इसके सामने लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जानवर क्या दिया हुआ है। अगला आपके सामने जानवर है S, का अर्थ होता है गधा, ये क्या है, गधे की, गधे का आपके सामने चित्र दिखाया जा रहा है, तो गधे की आवाज़ जो है ब्रे, BRAY, क्या होता है, BRAY, ब्रे, ब्रे अर्थात गधे की आवाज़, इंग्लिश में गधे की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ब्रे। इस पाठ का अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कॉम्प्रेहेंशन, कॉम्प्रेहेंशन बोध प्रश्न, तो इसका ए नंबर क्या है, देखिए आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो का मतलब नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर इसका प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम, अर्थात पोयम के अनुसार मून की शेप, पोयम में मून को किस आकार का बताया गया है, तो इसका उत्तर होगा द शेप ऑफ द मून इज लाइक ए क्लॉक, अर्थात एक दीवार घड़ी के समान मून अर्थात चंद्रमा के आकार को बताया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर डू द बर्ड इज स्लीप, अर्थात चिड़िया के बच्चे कहाँ सोते हैं, तो दूसरे प्रश्न के आपका आंसर देखिए यहाँ से है, यहाँ आप लिखेंगे द वर्टीज, क्या लिखेंगे, द वर्टीज स्लीप इन द फोर्क्स ऑफ द ट्रीज, अर्थात चिड़िया, चिड़िए के जो बच्चे थे वो पेड़ों की टहनियों पर सोते हैं। तीसरा क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द डॉग डूइंग, अर्थात कुत्ता क्या कर रहा है पोयम में, तो तीसरे का आप लोग आंसर लिखेंगे द डॉग इज हाउलिंग एट द डोर ऑफ द हाउस, अर्थात कुत्ता घर के दरवाजे पर गुर्रा रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द बैट, अर्थात झींगुर कहाँ है, तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे, आंसर क्या है, द बैट इज स्लीपिंग इन बेड, अर्थात झींगुर बिस्तर में सोया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों इस बार के आपका, देखिए What do the flowers and children do till morning? अर्थात फूल और बच्चे सुबह होने तक क्या करते हैं, जिसका आप लोग उत्तर लिखेंगे The flowers and children sleep till morning, अर्थात फूल और बच्चे सुबह होने तक सोते हैं। छठवां क्वेश्चन अब देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन, What do the things that belong to the day do when the moon is out at नाइट, तो इसका आप लोग आंसर लिख लीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन में सिक्स का आंसर, द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे लव टू स्लीप एट नाइट व्हेन द मून इज आउट, अर्थात वे सब जिनका संबंध दिन से होता है वो रात को सोना पसंद करते हैं जब चांद निकलता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां इसका कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्या बोल रहा है, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर बे, कडल मीन्स, अर्थात क्या हुआ इसका, कविता का अंतिम, कविता के अंतिम पंक्ति में दिए कडल का अर्थ, उसका आशय क्या है हिंदी में, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कडल का अर्थ होता है हग, ठीक, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही है, उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आगे देखते हैं, लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए।